बहुत बुरा हाल है दोस्तों, इस वाली ट्रेन का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। लाओ तो ये लगी है प्लेटफॉर्म नंबर एक पे संगम एक्सप्रेस। बात करूँ आपसे मेरठ सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन, लाइट भी चली गई है दोस्तों मेरठ सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन। सामने है यमुना रिवर, बाकी क्या ही बताऊँ, अब तो ट्रेन आगे भी नहीं बढ़ सकती क्योंकि ये देखो। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करूंगा आप सभी अच्छे होंगे। फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं मेरठ, और मेरठ में तो वैसे दो रेलवे स्टेशन है, मेरठ कैंट और मेरठ सिटी जंक्शन। मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के लिए मेरठ सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन की वीडियो लाया जाए, क्योंकि जो मेरठ कैंट है ना वहां पे बहुत कम ट्रेनें आती और जाती है। उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और प्यार देंगे। वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए होंगे ना तो दोस्तों चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो बाहर से कुछ ऐसा दिखता है मेरठ सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन, यहीं से एंट्री गेट है। बाकी इस ओर देखो ऑटो टैक्सी ई रिक्शा सब चीज़ की फैसिलिटी मिल जाएगी आपको, और खाने पीने की सुख सुविधाएं वो उस साइड है आगे, शौचालय वगैरह की सुविधाएं ये एरिया सामने ही। और देख लो बड़ा सा वेटिंग हॉल भी बना रखा है, और बाकी टिकट काउंटर वो रहा। और ये सामने प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे न्यू दिल्ली जलंधर सिटी एक्सप्रेस आ रही है। देख लो दोस्तों नई दिल्ली जलंधर और नई दिल्ली अमृतसर इंटरसिटी के साथ ये अपना रेक भी शेयर करती, बहुत बढ़िया ट्रेन है ये। और 2 मिनट रुकने के बाद नई दिल्ली जलंधर इंटरसिटी चल दी है जलंधर के लिए। ये है इसके जनरल कोच का हाल, मतलब भीड़ भाड़ ना के बराबर। देख लो सेकंड सीटिंग वाली सीट है इसके जनरल कोच में। बाकी ये है चेयर कार जिसमें आप रिजर्वेशन करा के जा सकते हैं। फिर ये जनरल कोच स्टार्ट हो गया लक्ष्मी रेक वाला। ये जो नई दिल्ली जलंधर इंटरसिटी ट्रेन है ये नई दिल्ली से डेली रन करती है 2:45 पे, और सेम डे 11:40 पर आपको पहुंचाएगी जलंधर सिटी जंक्शन की। 438 किलोमीटर की दूरी तय करती 9 घंटे के अराउंड, काफी अच्छी ट्रेन है। जनरल कोच आपने देखा कितना सारा है, तो आप जब भी सफर करना चाहते हो नई दिल्ली से जलंधर के लिए तो आप इस ट्रेन से ही जाएं, काफी अच्छा लगेगा, कम पैसे में आप आराम से वहां पहुंच जाएंगे। और सामने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जो आपको लोकल पैसेंजर ट्रेन दिख रही है, ये वाली ट्रेन जो है मेरठ सिटी जंक्शन से ही बन के चलती है, और ये जाएगी गाजियाबाद। हर एक छोटे छोटे स्टॉप पे रुकेगी, और इतनी ओवरटेक इसको मारेंगे सभी ट्रेनें कि मतलब आप इसमें सफर करेंगे ना तो आप समझ जाएंगे। वैसे लोकल बंदों के लिए ठीक है जो 1 से 2 स्टॉप पे जाना चाहते हैं। मेरठ सिटी गाजियाबाद चल चुकी है गाजियाबाद के लिए, और थोड़ी ही देर में आने वाली है देहरादून जन शताब्दी जो कि नई दिल्ली से देहरादून के बीच में चलती है। 3:20 पे चलेगी नई दिल्ली से शाम के टाइम, और आपको उसी दिन रात को 9 बजे के आसपास पहुंचा देगी देहरादून। 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है लेकिन 6 घंटे का समय लेती, काफी बढ़िया ट्रेन है जन शताब्दी। जैसे ही आती है 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे मैं आपको उसका अराइवल दिखाता हूँ। और सामने आ चुकी है देहरादून जन शताब्दी। इसमें आपको एसी वाले कोच भी मिलेंगे, साथ ही बिना एसी के भी कोच मिलेंगे। वो सामने कोच आ रहा है ना बिना एसी का। तो ये आ चुकी है जन शताब्दी जो देहरादून नई दिल्ली देहरादून।
बाकी भीड़ तो ना के बराबर है, लेकिन इस साइड इस वाले कोच में भीड़ है। फिलहाल तो इस वाली ट्रेन का सिग्नल हो गया, मात्र 2 मिनट भी नहीं रुकी है, अब ये चलने के लिए तैयार है देहरादून के लिए। ये चेयर कार है नॉन एसी का, जिसमें आप रिजर्वेशन करा के जा सकते हैं, बैठने वाली सीटिंग आपको मिलेगी। और पीछे इसमें जनरल कोच है ही नहीं, बस एक एसएलआर का कोच लगा रखा है। और देखो कितनी भीड़ है। चल रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर, क्योंकि वहां पर आने वाली हरिद्वार एक्सप्रेस, जो कि हरिद्वार से चलती है मुंबई के बांद्रा टर्मिनल तक, 33 घंटे का सफर करती है और 1600 कुछ किलोमीटर की दूरी तय करती है। बाकी ये वाली ट्रेन जो है डेली रन करती है हरिद्वार से दोपहर को 1:30 बजे और अगले दिन आपको रात को 11 बजे के अराउंड पहुंचाएगी मुंबई के बांद्रा टर्मिनल तक। और ये आ चुकी है हरिद्वार एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। WAP-7 लोकोमोटिव के साथ लालगुड़ा सेट का, बाकी भीड़ तो काफ़ी है इस वाली ट्रेन के लिए पैसेंजर की, आप देख सकते हैं इस साइड और इस साइड भी। भीड़ तो धीरे धीरे बढ़ रही है दोस्तों इस ट्रेन के लिए पैसेंजर की, बाकी आप इधर देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। बाकी खाने पीने की चीज़ें तो आपको मिलेगी, सामने देख सकते हो छोले कुलचे जा रहे हैं और इस और स्नैक्स के आइटम। बाकी भीड़ इतनी ज़्यादा है क्या ही बताऊँ हरिद्वार एक्सप्रेस में, देख लो भीड़ कितनी ज़्यादा है इस हरिद्वार एक्सप्रेस में। इस और आपको फ्रूट्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि केले हैं, पपीता है, वो भी 10-10 रुपये चाट है, अभी मैं भी लेता हूँ। पहले आपको ट्रेन तो दिखा दूँ, बहुत बुरा हाल है दोस्तों इस वाली ट्रेन का, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, देख लो किस से पैसेंजर चढ़ तक नहीं पा रहे। बाकी उस और भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, उस वाला गेट जो है, ये वाला भी गेट पूरा पैक है और आगे भी जो गेट है ना वो भी पूरा पैक है। लाओ दो 40 रुपये निकाल लेना, पानी देना भाई पानी, और गर्म गर्म चाय भी आप ले सकते हो। भैया एक ठंडा पानी दो बस। ठंडा देना भैया। ये लो भैया। भीड़ इतनी ज्यादा है इस वाली ट्रेन में कि पैसेंजर जो है अंदर से पानी चाय कुछ ले नहीं पा रहे, अंदर से ही मांग रहे कि गेट पे आने का जगह तक नहीं है, सामने आप देख सकते हो। और ये लगी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे संगम एक्सप्रेस, जो कि मेरठ सिटी जंक्शन से सूबेदारगंज जाती है उत्तर प्रदेश के। बाकी भीड़ तो है अभी जस्ट लगी है, पीछे जनरल कोच लगे हुए हैं और ट्रेन को लगे हुए मात्र 10 मिनट हुए हैं, पूरी सीट जो है पैक हो गई है, इधर आप देख सकते हो एक भी सीट जो है खाली नहीं बची है। ये यहीं से बन के चलती काफ़ी अच्छी ट्रेन है संगम एक्सप्रेस। दोस्तों जो संगम एक्सप्रेस है ना ये शाम को 7 बजे चलती है मेरठ सिटी जंक्शन से और आपको अगले दिन 8:00 कुछ मिनट पे यानी 8:20 पे पहुंचा देगी सूबेदारगंज। बाकी इसका संगम नाम इसलिए है
क्योंकि देखो ये संगम कहाँ पड़ता है, प्रयागराज। ये जो सुबेदारगंज है ना, प्रयागराज के पास पड़ता है, इसलिए इसका नाम संगम एक्सप्रेस। बाकी ये डेली रन करता है। बात करूँ आपसे मेरठ सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन के बारे में, तो नॉर्दर्न रेलवे जोन में आता है और दिल्ली डिवीजन में आता है। कोड इसका MTC पड़ेगा। बाकी यहाँ पे आपको 5 प्लेटफॉर्म मिलेगा। सुख सुविधाएं तो आपको मैंने दिखाई दिया, खाने पीने की बा वेटिंग हॉल और बाहर भी अच्छी खासी सुख सुविधाएं। और प्लेटफॉर्म एक पे संगम एक्सप्रेस लगी है, बाकी 2 नंबर पे कोई ट्रेन नहीं है। इस और 3 पे भी कोई ट्रेन नहीं है और ना ही 4 पे। 5 पे कोई लगेज वाली ट्रेन लगी है। वैसे मेरठ सिटी जंक्शन है एक जंक्शन पॉइंट भी, क्योंकि यहाँ पे 3 से 4 लाइनें आके मिली, जैसे गाजियाबाद वाली लाइन, सहारनपुर खुर्जा वाली और एक हरिद्वार से भी लाइन आई है, इसलिए ये जंक्शन पॉइंट। और थोड़ी ही देर में आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि आनंद विहार टर्मिनल से चलती है 5:50 पे और उसी दिन 10:30 आपको पहुँचाएगी देहरादून टर्मिनल। 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, लेकिन 4.5 घंटे लगते हैं। वीरवार को नहीं चलती, बाकी सभी दिन रन करती है। तो जैसे ही वंदे भारत आती है तो मैं आपको उसका अराइवल दिखाता हूँ। ऑन टाइम 7 चल दी है संगम एक्सप्रेस सुबेदारगंज के लिए। वंदे भारत आ रही है। और ये मिनी वंदे भारत है, जिस वजह से देखो कहाँ जाके रुकी है। वंदे भारत इज गोइंग। रात के टाइम मेरठ सिटी जंक्शन कितना प्यारा लग रहा है। लाइटिंग वगैरह ऑन हो गई क्योंकि रात बस होने वाली है, बाकी कोई ट्रेन आ रही है। WAP 4 लोकोमोटिव के साथ आई है, देखते हैं कौन सी ट्रेन है। योगा एक्सप्रेस है। आ चुकी बाड़मेर जम्मू तवी एक्सप्रेस, बाकी WAP 4 लोकोमोटिव के साथ योगा एक्सप्रेस चल दी है। ये चलती योग नगरी ऋषिकेश से अहमदाबाद के लिए। और कितनी भीड़ इस वाली ट्रेन से उतरी है, बाड़मेर जम्मू तवी एक्सप्रेस से। और इस ट्रेन के जस्ट पीछे ट्रेन लगी हुई है आने के लिए प्लेटफॉर्म 2 पे, देखते हैं कौन सी ट्रेन है। लाइट भी चली गई है दोस्तों मेरठ सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन की। इस साइड तो जा चुकी है, आगे के साइड है, बाकी ट्रेन आपको दिख ही रही होगी, सामने से एक ट्रेन आ रही है। लाइट नहीं है मेरठ सिटी जंक्शन पर फिर भी मैं आपको अराइवल दिखा रहा हूँ किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म 1 पे, देखते हैं कौन सी ट्रेन है ये। बड़ा ही अंधेरा लग रहा है। और ये वाली ट्रेन वैसे तो गुड्स वाली लोकोमोटिव के साथ आई है। ये है नौचंदी एक्सप्रेस सहारनपुर से जो आ रही है और जाएगी प्रयागराज संगम।
कैसी लगी दोस्तों आपको मेरठ रेलवे स्टेशन की वीडियो? वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्दी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखें अपना ध्यान। और हाँ दोस्तों, जब मैं मेरठ से दिल्ली की ओर सफर कर रहा होता हूँ तो यमुना ब्रिज पे एक ही ट्रैक पे दो दो ट्रेनें रुक जाती हैं, एक आगे और जस्ट हमारी जो ट्रेन है वो पीछे, तो मैं आपको थोड़ा सा वो भी दिखाना चाहता हूँ। और हमारी ट्रेन यमुना ब्रिज को धीरे धीरे क्रॉस कर रही है, बाकी सेम ही ट्रैक पे तो सामने कोई ट्रेन खड़ी है, जिस कारण अभी इसको रुकना पड़ेगा। और इस तरफ अगर आप देखोगे तो यमुना रिवर, रात में कुछ ऐसा दिखता है यमुना। और नीचे रोड वाला ब्रिज है, ऊपर रेल वाला, बाकी उस ओर भी कोई ट्रेन क्रॉसिंग कर रही है। ये वाली ट्रेन है रानी खेत एक्सप्रेस। देख लो कितना पास आ गए हम, फिर भी धीरे धीरे ट्रेन आगे बढ़ रही है। सामने है यमुना रिवर, बाकी क्या ही बताऊं, अब तो ट्रेन आगे भी नहीं बढ़ सकती क्योंकि ये देखो, जब तक वो ट्रेन जो है हटेगी नहीं, मतलब उसका सिग्नल नहीं होगा, वो आगे प्लेटफॉर्म पे नहीं लगेगी पुरानी दिल्ली पे, तब तक इस ट्रेन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। और कितना पास है ये, मतलब पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ।